महानगर के राजघाट थाना अंतर्गत तुर्कमानपुर डाकखाना के सामने स्थित श्रृंगार की दुकान में बुधवार की सुबह अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गई। दुकान के ऊपरी मंजिल में रखे रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से मकान में आग फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान घर में 4 रसोई गैस सिलेंडर मौजूद थे, जिसमें से 1 सिलेंडर में सुबह आग लग गई, जबकि बाकी 3 सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए। वहीं इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें, जिस जगह घटना हुई है, यह शहर का वह हिस्सा है जो पूरी तरह व्यावसायिक है। यहां चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का थोक कारोबार होता है। ऐसे में यहां आग लगने के बाद हलचल मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की। दमकल की 7वीं गाड़ी पहुंचने के बाद भी आग नहीं बुझ पा रही थी। इस दौरान काफी देर तक लोग सहमे रहे। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर रणजीत सिंह ने कहा, पहले आ गया था तो उसमें था कर पा रहा था। सवेरे जो है 4:55 पर अग्निकांड की सूचना कंट्रोल रूम फायर सर्विस को प्राप्त हुई। फायर सर्विस की एक गाड़ी तत्काल मौके के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। मौके पर पहुंच कर देखा कि आग बहुत भयावह विकराल है। यूनिट के इंचार्ज द्वारा तुरंत यहाँ सूचना दी गई कि अन्य गाड़ियों को पानी की संपूर्ति है भेजा जाए। फायर सर्विस के कुल मिला के 5 गाड़ियाँ बड़ी और 2 छोटी गाड़ियाँ घटनास्थल पर पहुँच गई। काफ़ी स्टाफ पहुँच गया, मैं भी पहुँच गया और मौके पहुँच कर देखा कि आग विकट रूप से जल रही है। सामने से आग पर आक्रमण करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बगल से ऊपरी मंजिल की दीवार को तोड़ के और 3 जगह से दीवार को तोड़ के एक लाइन फैला करके मजबूत जेट से कुछ कर्मचारियों द्वारा मेरे नेतृत्व में आग को पूर्ण रूप से बुझाना प्रारंभ किया गया। फिर दूसरी तरफ नीचे ग्राउंड में एक तरफ से दीवार तोड़ करके उधर से एक लाइन फैला करके आग को पूर्ण रूप से बुझाना प्रारंभ किया गया। आग को बुझाते समय उसमें ज्ञात हुआ कि इसमें 4 सिलेंडर हैं, जिसमें से कर्मचारियों द्वारा अथक परिश्रम मेहनत करके 3 सिलेंडर बाहर कर लिया गया था, गैस सिलेंडर थे, और 1 सिलेंडर आग बुझाते समय ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के दौरान कोई एक कर्मचारी हताहत नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से आग को जो है कंट्रोल किया गया और आग जो है श्रृंगार ज्वेलरी हाउस और श्रृंगार बैंगल्स तुर्कमानपुर पोस्ट ऑफिस के सामने शेख सिद्दीकी कटरा गोरखपुर थाना राजघाट में लगी हुई थी और फायर सर्विस और इसमें केवल वो चूड़ी सिंगार आइटम और बिंदी और घरेलू सामान एसी टी फ्रिज आग में जल के राख हो गया था उनका। आग लगने के कारण उनके द्वारा बताया गया कि वो बिजली की शॉर्ट सर्किट से है। जो भी कारण हो उसकी जाँच छानबीन की जा रही है फिलहाल और आग बुझाने के बाद सभी यूनिटें चली आई। एक यूनिट वहाँ छोड़ दिया गया एहतियात के तौर पर। सामान सब वहाँ का मलबा जो भी गिरा था उसमें उसको बाहर कराया गया। अब बगल बगल कोई जनहानि नहीं हुई। बगल की दुकान पर एक कोहिनूर बैंगल्स करके दुकान थी, सटे हुए दुकान थी वो, तो उसको सुरक्षित से बचा लिया गया। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई व्यक्ति मरा नहीं, न कोई इंजरेड हुआ। 1 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जो दुर्भाग्यपूर्ण था, कोई हताहत नहीं हुआ। शेष आग बुझा के फायर सर्विस यूनिट फायर स्टेशन पर उपस्थित हो गए। लगभग आंकड़ा लिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि कितना का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो ज़्यादा हुआ। उनका गोदाम बना के रखा था, नीचे 8 दुकानें थी छोटी छोटी
और दो और पतली दुकान थी, 10 दुकानें थी। ऊपर गोदाम बनाया था फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकेंड फ्लोर पर भी गोदाम बना के चूड़ी बिंदी और सिंगार के सामान सब बंद करके गोदाम बना के रखा हुआ था।